तो हाँ हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? हाँ तो गाइस, इससे पहले मैं कभी बड़ाकर गया नहीं था, पर आज कुछ काम से मुझे बड़ाकर जाना पड़ रहा है। ये नदी हम क्रॉस कर जाएंगे और घुस जाएंगे पश्चिम बंगाल के एरिया में, जिसको बोलते हैं बड़ाकर। और ये जो पुल बना हुआ है ना चाचा के अनुसार, जो चाचा मेरे को बता रहे हैं, ये चाचा बता रहे हैं कि ये पुल जो है मतलब ये अंग्रेजों के जमाने का पुल है जो अभी तक चल रहा है। तो फाइनली हम लोग घुस गए हैं बंगाल के एरिया जोन में। और देख, तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग बड़ाकर चौक पे ही हैं। ये देख सकते हो, इधर बड़ाकर चौक है और यहाँ पे जस्ट। हाँ तो हाँ हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए टाइप के वीडियो में। तो आज हम जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है ये आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो तुम बने रहो। और हाँ, चैनल पर तुम नए हो गाइस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार आते रहते हैं मेरे व्लॉग्स वीडियो कंटेंट, जो भी बोलो आप बोलते रहना। लेकिन तुम लोग चैनल पर नए हो यार, सब्सक्राइब ठोको और मिलते हैं आगे। हाँ तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं सीताराम सर के पास, सीताराम सर के कोचिंग में। अभी देखते हैं सीताराम सर क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने लोकेशन की ओर जहाँ मेरे को जाना है। हाँ तो इधर देखो, चीकू यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, सुबह सुबह का नाश्ता ना। चीकू क्या खा रहा है? पपीता खा रहा है। इधर चाचा सब भी खा रहे हैं। सीताराम सर हमको जल्दी बुला लिया है, अभी तक मुँह तक नहीं धोए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। चीकू तुम कुछ बोलेगा? हाँ। बोलो। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी भूलिएगा। सब्सक्राइब ही कर देगा, एग्जाम कर देगा। हाँ तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए, अभी सीधे मिलते हैं। हम लोग को जाना है, कहाँ जाना है पहले बोल दीजिए। यहाँ पे चलिए आसनसोल जाना है, आसनसोल जा रहा है ना, तो चलिए आसनसोल घुमा के आते हैं आपको। तुम लोग बने रहो चैनल पे, नया हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब, चलिए लाइक कर देना, लाइक कुछ करे चाहे नहीं। हम लोग अभी चौक पे हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को बताते हैं आगे आगे होता है क्या। तो तुम लोग बने रहो। हाँ तो इधर हम लोग आए निर्सा के एक शॉप पे, जहाँ से हमें कुछ लेना है सामान, कुछ कपड़े लेना है। चलिए देखते हैं आप, चलिए ना आगे बढ़िए। इसका क्या प्राइस है? 275। ये महंगा है, इससे अच्छा भी तो है। 250, 25 रुपया महंगा भी तो है। कैसा लेना चाहेंगे, फ्लैट वाला या चेक वाला? चेक ही लेंगे इस बार। चेक ही लेंगे, चेक महंगा पड़ेगा आपको? महंगा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो दरअसल गाइस, बात कुछ ऐसा था कि हमारा जो कैटरिंग टीम है फ्लिपकार्ट कैटरर्स, उसके लिए लेना है मेरे को नया ड्रेस, नया यूनिफॉर्म। तो हम आए हुए थे निरसा मार्केट, यहाँ पे मेरे को उस तरह का कपड़ा मिला नहीं जिस तरह का हम लोग को चाहिए था, उस तरह का पसंद मेरे को आया नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से बढ़ जाऊँगा अगला लोकेशन की ओर, और अभी हम जाएंगे सीधा बढ़ाकर वहाँ पर। जैसे कि मेरे को कपड़ा पसंद आ गया तो ठीक, और पसंद नहीं आया तो सीधे हम निकल जाएंगे आसनसोल। मतलब कपड़ा आज लेंगे ही, क्योंकि नया सीजन आ रहा है कटिंग का, और हमारा जो ड्रेस है वो पुराना हो चुका है काफ़ी, उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम सोचे कि जिसे अच्छा लगे, नया नया दिखे और तगड़ा दिखे ना, बस तगड़ा दिखे, चलते हैं अगले। इसीलिए हम लोग निकल चुके हैं नया नया कपड़ा लेने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे बड़ाकर, तुम लोग बने रहो। हाँ बीच में घुस के हम लोग पूरा फंस गए थे, दोनों तरफ से गाड़ी है गाड़ी, हम लोग निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बहुत देर बाद निकलने का मौका मिला तो फट से हम लोग निकल गए ना। अभी हम लोग है दिल्ली कोलकाता हाईवे पे, जिसको NH2 बोलते हैं, GT रोड यहीं पे है, देख सकते हो बगल में हमारा गुरुद्वारा है। और यहाँ से हम निकल जाएंगे सीधे बड़ाकर, चलो बने रहो। अच्छा फाइनली गाइस, अभी हम लोग आ गए झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे। ये जो आपको ब्रिज दिखेगा ये बड़ाकर ब्रिज है, और ये बना है आपका बड़ाकर नदी पे। ये देखो बड़ाकर नदी का व्यू, ये देखो उधर जो आपको दिख रहा है ना, वो रेलवे वाला ब्रिज है, वहाँ पे रेल जाता है। ये देखो बड़ाकर नदी का व्यू। ये नदी हम क्रॉस कर जाएंगे और घुस जाएंगे पश्चिम बंगाल के एरिया में, जिसको बोलते हैं
बड़ा कर। देखिए कितना आदमी नहा रहा है। पुल बना हुआ है कितना? ये बीटी संभल का बना हुआ है। हाँ, और ये जो पुल बना हुआ है ना चचा के अनुसार, जो चचा मेरे को बता रहे हैं, ये चचा बता रहे हैं कि ये पुल जो है अंग्रेज अपने जमाने पे बना के गए हैं। मतलब ये आपको बगल में फिर, हाँ मतलब ये अंग्रेजों के जमाने का पुल है जो अभी तक चल रहा है, और इसके बगल में और एक नया बन रहा है। तो इसी के बगल में एक नया पुल बना रहा है जो कि मोदी का युग का पुल रहेगा ना। मोदी युग का पुल बन रहा है, और जिसका हम चल रहे हैं ये अंग्रेजों के जमाने का पुल है ना। यस, तो तुम लोग बने रहो, हम लोग घुसने वाले हैं बड़ाकर में, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के एरिया में ना। ओके ओके, ममता बनर्जी। तो फाइनली हम लोग घुस गए बंगाल के एरिया जोन में, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। अंग्रेज वाले भैया मेरे को बहुत पाल रहे हैं। A few moments later, हटिया कौन सा, हमको क्या पता। हेलो अंकल जी, सुनिए ना, हटिया किधर है? हटिया बड़ाकर वाला, यही वाला है दुकान का नंबर दुकान। और ये वाला दुकान किधर होगा? अरिंदम, अरिंदम, अरिंदम का दुकान इधर है ना। ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए, तो गाइस हम लोग को बड़ाकर में एक दुकान का नाम मिला है अरिंदम, जहाँ पे हम लोग को जाना है। और एक फूफा जी है, वो हम लोग को एडवाइस किए हैं कि वहाँ पे अच्छा कपड़ा मिलता है ना। यस, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पे, लोगों को पूछ के कि अरिंदम किधर है, अरिंदम किधर है, देखते हैं किधर है। हम अभी बड़ाकर मार्केट में। और ये देखो गाइस, यहाँ पे मेरे को एक मंदिर मिला है, शिव पार्वती का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर लग रहा है अंदर में। ये वाला है क्या? ए मार्ट फैमिली शॉप, ये नहीं है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे एक शॉप है बालाजी का नाम का है, और यहीं पे हमको एक फूफा जी है वो एडवाइस किए थे, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा कपड़ा मिलता है हम लोग। राज चा चलिए देख लेते हैं जैसा है, फिर आगे चलते हैं। देखिए कौन सा लेना है बोलिए। हम लोग को ऐसा कपड़ा दिखाइए जो कि कम से कम 15 पीस हो जाए, और थोड़ा चेक चेक डिजाइन का रहेगा, कैटरिंग के लिए चाहिए हमको। हाँ कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ये तो है मैटर। और वो भी वो नहीं आएगा उसको, हाँ ये ठीक। हाँ तो गाइस यहाँ पे कपड़ा तो हम लोग को पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत यहाँ का ये है कि एक साथ में हम लोग को उतना कपड़ा नहीं मिल रहा था, जैसे 15 आदमी का सिल पाए उतना कपड़ा हम लोग को यहाँ नहीं मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे काउंटर वाउंटर ले लिया, बाकी आगे जाकर देखते हैं कैसा होता है, फिर उनको ऑर्डर करेंगे। और वैसा नहीं होता है तो हम लोग चल जाएंगे दूसरा दुकान पे, और वहाँ से अगर हमको कपड़ा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है ना का। ओके ओके, एकदम बहुत अच्छा है। और तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए हैं दूसरा दुकान पे, और देखते हैं यहाँ पे हम लोग को कपड़ा मिलता नहीं। हम लोग बड़ाकर चौक पे ही हैं, ये देख सकते हो इधर बड़ाकर चौक है, और यहाँ पे जस्ट है अंकित। तो यहाँ पे घुस कर देखते हैं, उसके बाद हम लोग को मिलता है कि नहीं पता नहीं, तो हम लोग बने रहो। प्लेन बना कैटरिंग के लिए हम लोग का प्लेन चलता है, 125 रुपये में क्या 130 रुपये में बढ़िया बढ़िया कलर है, एक से कलर मिलेगा, कपड़ा भी मजबूत है। ये देखो, ये दोनों में से कोई एक कलर हम लोग को पसंद आया तो हमने डिसाइड किया कि इसी कलर में ना का। यस, और तो फाइनली गाइस काम हम लोग का खत्म हो गया, ड्रेस ड्रेस हम लोग को पसंद आ गया, हमने खरीद लिया, खरीद के दर्जी को भी दे दिया, अब हम लोग जाएंगे सीधे घर, तुम लोग बने रहो। हाँ ये देखो, ये है आपका बड़ाकर का मार्केट, इससे आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि काम मेरा यहीं पे हो गया, तो हम आगे क्यों नहीं जाएंगे ना का। ओके ओके, हम लोग तो सोचे थे कि अगर हम लोग को कपड़ा पसंद नहीं आएगा तो हम आसनसोल तक चल जाएंगे, पर बड़ाकर में ही हम लोग को कपड़ा पसंद आ गया, अरे यहीं पर सिलाई भी करने दे, सिलाई भी यहीं पर हो गया, तो हम लोग आसनसोल क्यों जाएंगे ना का। तो चलो हम लोग यहीं पे अब घर की ओर घूमते हैं। ये देखो बड़ाकर का मार्केट। हाँ तो भाई दोबारा से हम
बंगाल पार करके झारखंड की ओर एंट्री करने वाले, तो दोबारा से तुम लोग देखो बड़ाकर नदी का व्यू, ये खतरनाक या खतरनाक बहुत मस्त लगता है इधर देखो ना। हाँ तो फाइनली गाइस इतना कुछ घूमने के बाद हम लोग को थोड़ा भूख भूख लग गया, तो खाने के लिए हम होटल पर रुके हैं, यहाँ पे खाना वाना खाएंगे और सीधे निकल जाएंगे घर की ओर। तो तुम लोग देखो हम तो हाथ धो, चलिए बैठिए छोटा मोटा। फाइनली गाइस खाना हम लोग का इधर से आ गया, खाना हम लोग को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, सस्ता ही पड़ा हम लोग को, 25 रुपये प्लेट का हिसाब से खाना मिल गया। अच्छा है, अच्छा है। और एक चीज़, अब मछली लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 20 रुपये में, रेट ठीक ठाक है, सस्ता रेट है, ज़्यादा महंगा रेट नहीं है ना। पूछ लीजिए दुकान कहाँ पर। बहुत अच्छा दुकान आपका, ये क्या बोला, चिरकुंडा ना, चिरकुंडा एरिया में। ये देखिए मछली का, मछली भी आ गया। हाँ तो गाइस इधर हम लोग 3 प्लेट खाना और 2 मछली खाए, तो हम लोग का बिल हुआ था 115 रुपया, लेकिन हम लोग ने दिया यहाँ पे 110 रुपया। लेकिन भाई खाने के बाद जो एनर्जी आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है ना का है। तो फाइनली गाइस उधर से हम लोग वापस आ गए, यहाँ पे हम लोग भगवान मोड़ में रुके हुए हैं। चाचा को यहाँ तलब लगा है पान खाने का ना। हाँ, बहुत दिन बाद। हाँ, बहुत दिन बाद। तो पान बनाने के लिए यहाँ दे दिए हैं, पान बना ही रहे हैं। हम नहीं खाते हैं पान, इसलिए हम ऑर्डर नहीं किए, खाली चाचा खाएंगे ना। चलिए हाँ तो गाइस मैं तो भूल ही गया था वीडियो को एंड करने के लिए, पर मैं अभी जब एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग मेरा कंप्लीट हो गया, तब तो मेरे को पता चल रहा है भी साला हम तो वीडियो को एंड ही ना किए हैं। तो क्या बात है, एडिटिंग कंप्लीट अभी हो गया। तो अभी तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, और मजा आया तो लिखो खूब मजा आया, समझा। तुम लोग नया है तो सब्सक्राइब सपोर्ट गाइड, सपोर्ट दिखाओ। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ।